जी, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मोहतरमा जैनब जरीन साहब का एक नज़्म पेश करना चाहूँगा, जो कि दुख के उन्वान से है कि दुख अगर बोझ होते ऐसा जो हटाया जा सकता तो ये तेरा बारे गम जान मेरी मैं तनहा ही उठा लेती और फिर तेरे दामन में जमाने भर की खुशियों से मैं खजाने भर देती, मगर मैं कितनी मजबूर हूँ कि सिर्फ लफ्ज़ों से तुम्हें बहला रही हूँ। ये लफ्ज़ तेरे गमों का मदावा तो नहीं बन सकते, फिर भी अगर समझो तो हरफ़ हकीर मेरे शायद मेरे जख्मी दिल का मरहम हो जाए शायद। दूसरी किताब जो कि मुहर्रम दानिश मिसाल साहब की है, उसमें से चंद अशआर आपकी नज़र करना चाहूँगा कि अक्सर उसकी महफिल में लिया जाएगा मेरा नाम, मजबूरन सुनेगा जब कभी आएगा मेरा नाम, तन्हा तन्हा खोया खोया चुप चुप सा रहेगा वो, लोगों से ताल्लुक कटवाएगा मेरा नाम। चांद से शब्बर बात होती रही, गोदे जर में तन्हाई सोती रही, दिल खिलाए तेरे ख्यालों के गुल दूरी जरा के बीच होती रही। मैं अब इन्हीं दो किताबों पांचवा मौसम और ख्याले यार जो के उस्मान मूसा कश्मीरी साहब की है, तो इनके मुतल्लक मुख्तसर अजमाली जायजा पेश करने के लिए मैं दानिश मिसाल को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, तालियों से इस्तकबाल कीजिए। और आर्ट काउंसिल के डायरेक्टर मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद हलीम साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो आगे निशिस्त स्टेज पर तशरीफ ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश ज़िया है और मेरा कलमी नाम मिसाल दानिश है। मैं रंगेज़ी तंजीम से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे आज किला दीदार सिंह की कुतुब पर तबसरे का हुक्म जारी हुआ अपनी तंजीम की तरफ से। मैं स्टूडेंट हूँ, उसाज़ा में मेरा शुमार नहीं है, इसलिए मैं इस किताब इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस किताब का अजमाली जायज़ा लूँगा मगर किसी किस्म की तनकीद नहीं करूँगा। तो अगर इस किताब में कोई कमी पेशी है तो मैं उसे पसे पुश्त डाल दूँगा और जो इसकी खूबियाँ हैं वो बयान करूँगा। जैनब जरी हमारे इलाके की एक टीचर हैं, बुज़ुर्ग खातून हैं, बड़ी नफीस और बहुत ही खुश अखलाक। तो उनकी किताब है जिसका नाम है पांचवा मौसम। तो किसी ने उनसे पूछा कि पांचवें मौसम से क्या मुराद, मौसम तो चार होते हैं। तो उन्होंने कहा कोई मौसम फुरकत का भी होता है, तो लिहाजा इनके ऊपर उन्होंने लिखा। मज़ीद जब उनसे पूछा, मैंने उनकी किताब पढ़ी, तो किताब पढ़ के मुझे पता चला कि उन्होंने किताब के अंदर लिखा हुआ कि मेरा महबूब मेरा शोहर है। तो इसके ऊपर मैं मज़ीद यही कह सकता हूँ कि ख्याल और तसव्वुरात बहुत ज़्यादा है इसमें और अल्फाज बड़े ही आसान इस्तेमाल किए गए
और बड़े ही एहसन तरीके से और अच्छी जगह पर इस्तेमाल किए गए। जैसे कि मैं आपको इनका एक शेर सुनाता हूँ, हम तुझे ढूंढ लेंगे एक दिन तो दिल से दुनिया कहीं बड़ी तो नहीं। हकीकत को अब वही खतून जब बयान करती हैं तो बड़े ही सादा अल्फाज में, और वो ये अल्फाज दिल में उतर जाने वाले हैं। और वो कैसे बयान करती हैं, कट गई उम्र बिना तेरे, कट गई उम्र बिना तेरे, हम समझते थे जी ना पाएंगे। तो अब मैडम ज़ैनब ज़री साहब की मैं आपको एक नज़्म सुनाता हूँ। मैडम ज़ैनब ज़री साहबा ने जो नज़्म भी लिखी उसके अंदर भी अपने एहसास और जज्बात को ज़रूर शामिल किया और वक्त और हकीकत के साथ ही उसको लिखा। जैसे कि वो एक इल्तिजा करती हैं अपने महबूब से, यानी कि अपने शोहर से, लेकिन मैं इसी चीज़ का कि जो बैकग्राउंड है, जो पस मंजर है, उसको तो नहीं जानता, लेकिन वो क्या कहती हैं, तुमको जाना ही था तो कम अज कम मेरे खतूत, मेरी तस्वीरें, मेरे ख्वाब, मेरी तकदीरें सब लुटा जाते। ज़ैनब ज़री साहब की किताब का जो मैंने मज़ीद मुताला किया तो मुझे कुछ ऐसी बहर का भी पता चला कि जो शायद मैं नहीं भी लिख पाया, तो लिखने की कोशिश भी की तो हर मैम का एक छोटा सा और हकीकी और फितरी उन्होंने लिखने की कोशिश की, और अपने जज्बात का इजहार, या पता नहीं मेरे ख्याल से वो तन्हाई है या पता नहीं हकीकी ऐसे भी है जो वो लिखने की कोशिश करती हैं। उन्होंने लिखा लेकिन मैं उसको मुकम्मल तौर पर तो नहीं जान पाया, क्योंकि मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जी, मैं उस आज़ा में शुमार नहीं हूँ, और लिहाजा मैं किसी में भी तनकीद नहीं करता, ना मुझे ये हक हासिल है। तो उनका एक शेर, उनका दो शेर आपको सुनाता हूँ। खुश्कियों पर वो मर ही जाते हैं, खुश्कियों पर वो मर ही जाते हैं, वो जो आबे रवा में रहते हैं उनको कैसे बुला दे हम ज़रीन, उनको कैसे बुला दे हम ज़रीन, वो तो हर दम गुमा में रहते हैं। हाँ, तो मज़ीद जब मैं इनकी किताब की हाफ पे गया तो मैंने देखा कि उन्होंने कुछ ऐसी नज़में भी लिखी हैं जो हकीकी मनाजर को बयान करती हैं। मसलन किसी से मिलना, किसी से आना, उससे बातचीत करनी, बात ना हो पानी या बात करनी ठीक तरीके से ना कर पाना, तो उन्होंने इनमें भी जोर आजमाई की, उन्होंने लिखने की कोशिश की। जैसा कि तुम आओगे, बड़ी हसरत है, बड़ी हसरत है, तुम आओगे, हाँ ज़रूर आओगे, मेरे मरने के पहले या फिर मेरे मरने के बाद, तुम आओगे, हाँ ज़रूर आओगे, या फिर जब सांसें मेरी उखड़ रही हों, जब मैयत नहलाई जा रही हो, जब लहद में जस्ते खाकी उतारा जा रहा हो, या फिर मेरी कब्र पर, तुम आओगे, तुम ज़रूर आओगे। देखिए, देखिए कैसी हसरत वो बयान कर रही हैं और किस कदर एक दुखी अंदाज में वो बयान कर रही हैं। तो पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि वो खुद कलामी भी करती हैं, वो खुद से भी बातें करती हैं, और खुद से वो बातें करती हैं तो कैसे करती हैं, यूं ही चलते फिरते कोई भी काम करती हूँ, मैं खुद से बातें करती हूँ, मैं फिर उसे चाहने लगी हूँ, वो मुझको याद आने लगा है। और देखें, जैसे टीन एज की लड़कियों की आदत होती है ना, मसलन चंचल सी अदाएं होती हैं, तो वो इसको इसी तरीके से बयान करती हैं कि फिर मैं अपने रुखसार पर, इनके अपने गालों पर अपने दोनों हाथों को रख देती हूँ, जैसे कोई किसी को सोच रहा हो या किसी की यादों में गिरा हुआ हो, तो वो कहते हैं मैं अपने गालों पे हाथ रख लेती हूँ, और फिर हवा, कि देखिए कितना प्यारा उन्होंने मंजर प्यार किया है, कि हवा मुझे छेड़ती है, मुझे पगली कहती है, मुझे पागल कहती है। यकीन जानिए इस कदर किला दीदार सिंह की एक अच्छी किताब है, और जिसको पढ़ने के बाद यकीनन मुझे भी मज़ा आया। और फिर वो अपने महबूब से इल्तिजा करती हैं, और महबूब से इल्तिजा करने का अंदाज़ बड़ा खूबसूरत है, और क्या कहती हैं,
मेरे बस में नहीं तुझे बुला देना, मेरे बस में नहीं तुझे बुला देना, तुझे बुला दूं मैं दिल से यही दुआ देना। अगले ही शेर में वो कुछ ऐसा बयान करती हैं, मैं सो रही हूँ किसी याद के शबस्ता में, ख्याले यार से यारो न फिर जगा देना। और अपनी ख्वाहिशात का जब इजहार करने की बात आती है, देखिए कुछ बातें तो ऐसी तो जो हसरत बन जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी ख्वाहिशात होती हैं और हमें उम्मीद होती है कि कल तक हम शायद उसको पूरा कर लेंगे, जो ना कर सके वो तो फिर हसरत हो गई। कहते हैं मुझे ऊंचे महलों से क्या गर्ज, मुझे जवाहरात नहीं चाहिए, तेरा दिल ही मुस्कन है मेरा, मुझे इसमें बस जगह चाहिए। ये थी हमारी टीचर हैं हमारे इलाके की ज़ैनब ज़री साहबा, बड़ी ही अच्छी किताब, बड़ी ही खूबसूरत किताब, और मैं कहता हूँ कि हमें ये शर्फ हासिल है कि हम इनसे मुलाकात कर चुके हैं, इनके पास बैठ चुके हैं और इनके जो है ना महफिल में रह चुके हैं। तो मज़ीद मैं अपने दोस्त उस्मान की किताब के लिए कहना चाहता हूँ, उस्मान की किताब किला दीदार सिंह की किताबों में से वो किताब है जो यकीनन काबिले तारीफ है और कुछ गहराई की किताब है, तो वो आम फहम नहीं है, वो अल्फाजों के चुनाव से ऐसी बात करने की कोशिश करता है जो इंसान की ज़िंदगी के हालात को बयान करे। मैं तो पहले भी कहता हूँ कि मैं खुद चाहरा दो बुक का राइटर हूँ, शायरी शायरी वो चीज़ होती है जो आपके दिल के अंदर है, जो आपको ठेस पहुंची, जो आपके मन में खुशी है, जो आपको हसरत है, जो आपको ख्वाहिश है, वही चीज़ें शायरी में बयान होती हैं। जिस जिंदगी जिस तरह की ज़िंदगी आप गुजार रहे होते हैं वैसी ही शायरी आप करते हैं। जो लोग हाँ, लेकिन कुछ फिलासफर ऐसे ज़रूर हैं जिन्होंने बिल्कुल इसके उल्ट कहा, कुछ लोग गमज़दा होते हैं और वो हंसी और मजाक की शायरी करते हैं, और कुछ लोग खुश मिजाज होते हैं और वो किसकी शायरी करते हैं, गम की शायरी करते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मरहूम क्या कहते हैं मुश्ताक आलम गोगा साहब, वो मेरे मेहमान थे मेरे ड्राइंग रूम में, वो हम दो बैठे हुए, उन्होंने वहीं पे सोना था, तो मुझे कहते हैं दानिश भाई एक गल पूछा, मैं कह जी हजरत पूछिए। दानिश भाई एम ही हंसते रहेंगे तुम, मैं कह सर हम किया जा सकता है, अपना कि शेर तो सुनाओ। तो अचानक मेरे को जेल में आ गया बेबहरी सा शेर, मैं आपको सुनाने लगूँ बस हल्का सा। मैंने कहा जी मैं यूँ ही कब मुस्कुराता रहता हूँ, दर्द सहता हूँ तो शेर कहता हूँ। तो फिर मुझे कहते हैं अब्बा जी अब क्या जो भाई याद है, तो मेरी तरह देख के मुस्कुराए, कहते मेरे दानिश भाई अल्लाह ताला तो जिंदगी रवे, सदा खुश रहो, एन जी हंसते रहो, एन जी खेलते रहो। तो खुद तो वो इस दुनिया से जा चुकी है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बात हो रही थी उस्मान की, तो उस्मान की वो बुक है जो तकरीबन शायरी के असूलों के ऊपर लिखी गई है, और उसमें बहरे रिजस, बहरे कामिल तो अभी तक मैं उनकी बुक में नहीं पढ़ पाया, और उसके बाद उसके अलावा बहरे हफीफ और बहरे मुतकारब, ये तकरीबन बहरे मैंने उनकी बुक के अंदर पढ़ी हैं। ख्याल अपना है, मुमकिन है किसी को मेरा ख्याल पसंद हो, किसी को कंजी साहब का पसंद हो, किसी को किसी का पसंद हो, ऐसा हो सकता है। लाजमी नहीं कि हर बंदे का ख्याल सबको पसंद हो, हर बंदे की अपनी अपनी चीज़ है, लेकिन इस किताब के अंदर उस्मान की किताब के अंदर जो चीज़ें बयान की गई हैं, जो तरकीब इस्तेमाल की गई हैं, जो हाफ इस्तेमाल किया गया है, मुकम्मल बहरें इस्तेमाल की गई हैं, वो बहुत बड़ी बात है। ईमन के किला दीदार सिंह में कभी भी ऐसी किताब नहीं आई जिसको इतनी गहराई से लिखा हो, इतने सूर और ज़ुआबत का लिहाज रखा हो, और पूरे पैमाने के साथ अल्फाजों को उनकी ऐसी जगह पर रखा हो, और जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हों वो तकरीबन पूरी की पूरी कानून के मुताबिक हो, ये बहुत अच्छी किताब है। और मेरी दुआ है इस भाई को अगर कामयाबी अदा करे, और इसने बड़ी मेहनत की है, और इन अल्फाजों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।